हेलो क्लासेस, दिस इज चंचल सर। आई विल टीच यू साइंस टुडे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारी फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड जैसा फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। जो एनर्जी गिविंग फूड होती है वो उनसे हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारी बॉडी को बिल्ड करती है। प्रोटेक्टिंग फूड वो फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को वेरियस डिजीजेस से सेफ रखते हैं। ओके, नाउ आर वी ईटिंग राइट? क्या हम सही फूड लेते हैं या सही फूड खाते हैं? अवर मील हैव सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई अवर बॉडी। हमारे मील्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोवाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ। वो हमें एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हेल्प करती हैं। रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज और वेरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. कुछ major nutrients होते हैं हमारे food में। For example, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ये important major nutrients होते हैं। Okay. With some simple method, we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more of these nutrients. कुछ ऐसे experiment होते हैं, कुछ simple methods होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी food हम ले रहे हैं उनमें कितने nutrients present हैं. Okay? What you will need for carrying out these tests, you will need solution of iodine. तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ओके, यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। और इसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। ओके, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ इन्ग्रीडियंट। इनको हम कुड या तो कुक्ड फूड आइटम्स या फिर रॉ इंग्रेडिएंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में होती है। फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च may be present in all the food items that you test it. Okay, जितने भी food अगर हमने test करने हैं, okay, उनकी हमें test करनी है, तो उसमें fats, protein या starch ज़रूर present होगा। You may have noticed while recording your observation that most food items usually have more than one nutrients. और जितने भी food हम लेते हैं as a food, उनमें nutrients एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Okay. Thus, food can also be classified according to their nutrients content. तो इस तरह से हम food को जो classification है हम उसकी nutrients के basis पे भी कर सकते हैं। Protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. Now, nutrients in our body. हमारी body में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके क्या रोल होते हैं। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। एज दे आर बर्न बाई अवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी, उनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। विच वी नीड फॉर अवर वेरियस एक्टिविटीज़। जो वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ए फिजिकली एक्टिव पर्सन लाइक ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उनको लॉट ऑफ एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं. ओके, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी इन, ओके, फैट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम. एक्चुअली जो फैट्स होती है उनसे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में. ओके, वाइल कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, फैट्स टेंड टू रिमेन स्टोर्ड अंडर अवर स्किन फॉर ए लॉन्गर टाइम. जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो फैट्स होती है वो हमारी बॉडी की स्किन में लंबे समय तक स्टोर्ड रहती है, और जब भी हमें आवश्यकता होती है तो हम उनका यूज़ करते हैं. ओके, नाउ प्रोटीन. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं. फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जिन्स फूड में प्रोटीन्स होती हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी ऐसे बोलते हैं. ए ग्रोइंग चाइल्ड लाइक यू, लाइक ए प्रेगनेंट वूमेन एंड ए पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज वुड रिक्वायर प्रोटीन्स इन लार्ज क्वान्टिटीज. जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं, प्रेगनेंट वूमेन्स जो होती हैं, एंड जो कोई सिक पर्सन जो होता है उसको प्रोटीन्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है. विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. जो विटामिन्स होती हैं वो हमें बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करती है. कीप अवर आइस बोन्स एंड टीथ हेल्दी. जो हमारी आइस बोन्स एंड टीथ को स्वस्थ रखते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स और नोन बाई डिफरेंट नेम्स. उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, और अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज. हमारी जो बॉडी है, जो विटामिन हम लेते हैं उसकी स्मॉल क्वान्टिटीज ही बहुत ही सफिशियंट होती है. विटामिन ए कीप अवर स्किन एंड आइस हेल्दी. जो विटामिन ए होती है वो हमारी स्किन एंड आइस को हेल्दी रखती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए आर कैरेट, बटर, पम्पकिन, कॉड लीवर इन ए जार. ओके, देयर इज ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डाइजेशन, मेमोरी एंड सो ऑन. कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन बी के भी एग्जाम्पल है, स्प्राउट्स, ईस्ट, एग एंड होल ग्रेन्स. ओके, विटामिन सी हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज. जो विटामिन सी होती है वो हमें बहुत सारी डिजीजेस से सेव करने में भी हमें हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, ऑरेंजेस, लेमन्स, आंवला. ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, सनलाइट एंड बटर. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स डी हेल्प अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. जो विटामिन डी होती है वो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है बोन्स एंड टीथ में, वो हमें विटामिन डी से मिलती है. मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. जो मिनरल्स होती है वो उनकी भी हमें हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है स्मॉल क्वांटिटी में. ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. और ये हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ में और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बिल्ड अवर बोन्स एंड टीथ. जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होती है वो हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्गनेस देती है. आयरन इज नीडेड टू मेक ब्लड. आयरन जो होती है, जो मिनरल्स होती है आयरन, वो ब्लड को, ब्लड के लिए आवश्यक जरूरी होती है. आयोडीन हेल्प्स इन द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन. जो आयोडीन होती है वो चिल्ड्रेंस के मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. बिसाइड दिस सेट ऑफ फीचर्स,